देखा था कि डाटा टाइप्स में टाइप कास्टिंग क्या होती है, और आज हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी जावा में वेरिएबल्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स इन जावा और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच इज यूज टू स्टोरेज द वैल्यू। तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स का इंफॉर्मेशन के साथ डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अपने डाटा को सेपरेटली स्टोर कराना होता है। हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम कभी भी किसी भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं। मतलब जिस वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज ना किया जाए उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं और वेरिएबल्स के नाम से पहले उसका डाटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल के बारे में समझने से पहले आपको डाटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि डाटा टाइप क्या होता है तब तो ठीक है, यदि आपको नहीं पता है कि डाटा टाइप क्या होता है तो आप पिछले वीडियो में जाके, हमने डाटा टाइप की जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, तो आपको वेरिएबल जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, यानी जावा में जो है वो तीन प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा लोकल वेरिएबल। यानी ये तीन प्रकार के वेरिएबल्स हैं जो कि जावा में होते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में भी जान लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो फर्स्ट इज अ स्टैटिक वेरिएबल। शेयरेबल प्रॉपर्टीज अमंग द ऑब्जेक्ट आर द स्टैटिक वेरिएबल्स। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है? वह एक शेयरेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी स्टैटिक वेरिएबल को हम शेयर कर सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड अ मेथड एंड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक विद स्टैटिक कीवर्ड। यानी स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर एंड आउटसाइड अ मेथड, और मेथड के बाहर और कंस्ट्रक्टर के बाहर और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं। कैसे? विथ स्टैटिक कीवर्ड, यानी स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम इसको क्लास के अंदर और मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी टेक्स मेमोरी व्हेन योर क्लास लोडेड ऑन JVM। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी मेमोरी कब लेता है? जब हमारा क्लास जो है लोड होता है कहाँ पर? JVM पर, जावा वर्चुअल मशीन पर। जब हमारा क्लास लोड होता है तो स्टैटिक प्रॉपर्टी मेमोरी लेता है। स्टैटिक प्रॉपर्टी टेक्स मेमोरी इनसाइड मेथड एरिया। स्टैटिक मेमोरी जो है वो मेथड एरिया के अंदर जो है मेमोरी लेता है, यानी स्टैटिक प्रॉपर्टी मेथड एरिया के अंदर मेमोरी लेता है। स्टैटिक प्रॉपर्टी टेक्स मेमोरी सिंगल टाइम ओनली, यानी स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो केवल एक ही बार मेमोरी लेता है। स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज कॉल्ड द हेल्प ऑफ क्लास नेम। स्टैटिक प्रॉपर्टी को केवल हमेशा जो है क्लास नेम से ही बुलाते हैं, यह जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर क्लास वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्या कह सकते हैं? पर क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं, यानी इसको स्टैटिक वेरिएबल तो कहते ही हैं और इसको पर क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो हैज डिफॉल्ट वैल्यू। इसके पास क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर नॉन शेयरेबल प्रॉपर्टी। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? नॉन शेयरेबल प्रॉपर्टी, यानी इसको शेयर नहीं किया जा सकता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड अ मेथड एंड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। यानी जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं और मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, यानी इसको बिना स्टैटिक कीवर्ड के ही लिखते हैं। इट टेक्स मेमोरी व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इंस्टांस।
नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी कब लेता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट इंस्टांस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तब नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी लेता है। नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी टेक्स मेमोरी इनसाइड अ हीप एरिया, यानी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी मेमोरी कहाँ पर लेता है, हीप एरिया में लेता है। और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी कॉल्स बाय अ रेफरेंस वेरिएबल, तो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम रेफरेंस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं और रेफरेंस वेरिएबल के नाम से भी इनको जाना जाता है। रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएटेड बाय अ न्यू कीवर्ड, रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है, न्यू कीवर्ड के जरिए, यानी जब हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। इट इज कॉल्ड पर इंस्टांस वेरिएबल, इसको हम पर इंस्टांस वेरिएबल भी कह सकते हैं, मतलब इनको नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो कहते ही हैं, उसके साथ साथ हम इसको पर इंस्टांस वेरिएबल भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो हैज डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इसके पास भी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो थर्ड इज क्या था, लोकल वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्पररी वेरिएबल, मतलब इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी वेरिएबल भी कहते हैं। लोकल वेरिएबल को हम टेम्पररी वेरिएबल भी कहते हैं। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक, लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है, इनसाइड मेथड मतलब मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर और ब्लॉक के अंदर, मतलब लोकल वेरिएबल को हम मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल टेक्स मेमोरी व्हेन यू कॉल मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर, तो लोकल वेरिएबल मेमोरी कब लेता है, जब हम मेथड को कॉल कर मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक को कॉल करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर वह डिक्लेयर होता है। लोकल वेरिएबल टेक्स मेमोरी इनसाइड स्टैक, लोकल वेरिएबल जो है वह वो कहाँ मेमोरी लेता है, इनसाइड स्टैक मतलब स्टैक के अंदर मेमोरी लेता है। स्टैक इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेम सेट, स्टैक क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेम सेट, यानी फ्रेम सेट का ग्रुप होता है स्टैक। ईच थ्रेड हैज ओन स्टैक, ईच फ्रेम सेट होल्ड्स अ सिंगल मेथड इंफॉर्मेशन, प्रत्येक फ्रेम सेट क्या करता है, क्या होल्ड करता है, सिंगल मेथड इंफॉर्मेशन को प्रत्येक फ्रेम सेट होल्ड करता है। फ्रेम सेट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, फ्रेम सेट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया LVA, LVA का फुल फॉर्म होता है लोकल वेरिएबल एरे, और दूसरा हो गया FD, FD का फुल फॉर्म होता है फ्रेम डाटा, और तीसरा हो गया OS, ऑपरेंड स्पेस। और लोकल वेरिएबल हैज नो डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कि लोकल वेरिएबल की जो कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और वही कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों यदि आपको वेरिएबल्स ऑफ जावा के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने उसको मैंशन कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैपर क्लास के बारे में कि रैपर क्लास क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।